मेरा दिल बैठा जा रहा है, मुझे अपनी अम्मा चाहिए। पता नहीं किनके हाथों में होगी, कहाँ होगी मेरी बच्ची। प्लीज मुझसे वादा करो तुम उसको ढूंढ लोगे। हेलो अलीना, मुझे तुमसे कल मिलना है, बच्चों के सिलसिले में कुछ बात करनी। I think I should go now. क्यों? क्या हो? कुछ नहीं, बस ऐसे मुझे जाना चाहिए। अम्मा कॉफी तो पी लो। नहीं यार, फिर कभी। मैंने बहुत सोचा और मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि बच्चों की बेहतरी के लिए बेहतर है कि हम एक डील कर लें। कैसी डील? देखो तुम अच्छी तरह जानती हो मैं शहर का सबसे बेहतरीन वकील करके दोनों बच्चे ले जा सकता हूं, लेकिन इस सारे प्रोसीजर में उन बच्चों को कोर्ट कचहरी के चक्कर से गुजरना पड़ेगा जो मैं नहीं चाहता। तुम क्या कहना चाह रहे हो सादान, खुल के बोलो। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि निमरा को तुम रख लो और सिद्रा को मैं रख लेता हूँ। सदान ऐसे नहीं हो सकता। यही लॉजिकल तरीका है, सबसे अच्छा तरीका है, जज्बाती होने की जरूरत नहीं। सदान मैं सिद्रा के बगैर मर जाऊंगी। सोच लो, मैं चाहूं तो अभी निमरा को भी अपने साथ ले जा सकता हूं और फिर तुम्हारे पास कोर्ट कचहरी का ही रास्ता रह जाएगा, लेकिन तुम जानती हो तुम मुझे वहां नहीं हरा सकती, तुम्हारे पास वसाइल ही नहीं। अभी तुम एक बच्चे के लिए रो रही हो, बाद में दोनों के लिए रोगी। सदान मैं सिद्रा के बगैर कैसे रोंगी? अगर दोनों को गंवाना नहीं चाहती तो एक को गंवा दो। नहीं होगा, कुछ अरसे बाद सब ठीक हो जाएगा। डील के मुताबिक उन दोनों का आपस में कोई रابطہ नहीं होगा, ना तुम सिद्रा से मिलने की कोशिश करोगी ना मैं निमरा से कोई रابطہ रखूंगा। हाँ, चंद महीनों बाद कुछ घंटों के लिए हम दोनों निमरा और सिद्रा से मिल लेंगे, बट दैट्स इट, इसके अलावा कोई रابطہ नहीं होगा। तुम ऐसे ही समझना, तुम्हारी एक ही बेटी थी, सिद्रा कभी तुम्हारी जिंदगी में थी। सदान प्लीज ऐसे मत करो, तुम मेरे पर क्यों ऐसा जुल्म करे? मैं जानती हूँ तुम्हें मेरी कोई परवाह नहीं, लेकिन मेरी मेरी बेटियों के साथ ऐसे मत करो। वो मर जाएंगे एक दूसरे के बगैर, उनमें जान है एक दूसरे की। मैं मर जाऊंगी सदान, प्लीज मैं तुम्हारे लिए हाथ जोड़ती हूँ सदान, प्लीज। सोचा नहीं था जिंदगी से इतना प्यार हो जाएगा, मौत की तकलीफ से नहीं। आपको अहमद को छोड़ के जाने से डर लग रहा है। कहीं नहीं जा रही हो तुम?
यहीं हो हमारे साथ। ऐसी नाउम्मीदी की बातें क्यों कर रही हो? तुम्हारे इर्द गिर्द तो जिंदगी है, उसकी खुशबू को महसूस करो। कहाँ है जिंदगी? मेरी आंखों में देखो क्या नजर आता है तुम्हें। पता है नहीं, जब मुझे डॉक्टर ने बताया था कि मुझे कैंसर है, बस तब से मैंने आपकी आंखों में देखना बंद कर दिया। प्लीज आप डॉक्टर से कह दें कि मुझ पर सर्जरी कराने की हिम्मत नहीं है। मैं अपना ज्यादा वक्त आपके और हेमन के साथ गुजारना चाहती हूँ। तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? तुम जानती हो तुम मेरी नजर में तो तुम एक फाइटर हो, जिसने जिंदगी के हर मामले में आखिरी दम तक लड़ाई की है। अगर मैं ये कहूं ना कि मैं तुमसे इस मामले में इंस्पायर्ड हूं, जिंदगी की मुश्किलात से लड़ना मैंने तुमसे सीखा है, तो ये गलत नहीं होगा। मैं मायूस नहीं, लेकिन सच से मुंह तो नहीं चुरा सकते ना। छोड़ो, वक्त बहुत कम है और बहुत सारी बातें करनी। नखिल, आपको मुझसे वादा करना होगा। प्लीज प्लीज मुझसे ये मत कहना कि तुम मुझसे ये वादा ले रही हो कि सर्जरी नहीं करवाऊंगी। आपसे वादा करती हूँ कि मैं सर्जरी करवाऊंगी, आपको मुझसे वादा करना होगा। क्या वादा करना है बताओ। आप शादी कर लो। ऐसे सोच भी कैसे सकती हो कि मैं दूसरी शादी कर लूंगा? आप खुद सोचे, मेरे जाने के बाद आपका और हेमन का क्या होगा? मैं जानती हूं कि मेरे चले जाने के बाद आप दूसरी शादी नहीं करेंगे। हाँ, मैं दूसरी शादी नहीं करूंगा। हाउ कुड यू? तुम This. तुम जानती हो कि तुमने मुझे, तुम्हारी रिपोर्ट्स का टाइम आ गया, मैं वो लेने के लिए जा रहा जा सकती।
मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि निम्रा को तुम रख लो और सिद्रा को मैं। मैं चाहूँ तो अभी निम्रा को भी अपने साथ ले जा सकूँ और फिर तुम्हारे पास कोर्ट कचहरी का ही रास्ता रह जाएगा, लेकिन तुम जानती हो तुम मुझे वहाँ नहीं हरा सकती, तुम्हारे पास वसाई नहीं। अभी तुम एक बच्ची के लिए रो रही हो, बाद में दोनों के लिए रो। तुमसे जो दूर हो गए हम, कितने मजबूर हो गए हम, बेबसी बह रही है आंखों से, जख्मों से चूर हो गए हम, बोझ रुसवाई का उठा लेते, अश्क पलकों तले छुपा लेते, दिल की ये आरज़ू रही। तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, मेरी कजन, मेरी सारी उम्र की दोस्ती का वास्ता। मैंने अभी तक नखील से बात नहीं की, लेकिन मैं उन्हें कह दूंगी। अलीना, तुम मुझसे वादा करो, मेरे मर जाने के बाद तुम नखील से शादी कर लोगी। कितना एहतराम करती हूँ नखील का, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती कभी। जिंदगी कितनी मुश्किल है, कैंसर से लड़ती हुई मेरी दोस्त अपनी फैमिली के लिए कितनी परेशान है, और मैं सेहतमंद अपनी बच्चियों के लिए कुछ भी नहीं कर पा रही। तुम मेरी कजन हो, मेरी बेहतरीन दोस्त हो, और तुमने मेरे लिए क्या क्या नहीं किया अपने ना, बट आई एम सॉरी, जो तुम मुझसे कह रही हो वो मुझसे नहीं हो पाएगा। आई एम सॉरी नैना, आई एम सॉरी। मम्मी, मम्मी। निम्रा, क्या हुआ बच्चे, इधर आओ। मम्मी, सिद्रा के पास जाना है। मम्मी, यहाँ बच्चा, इधर आओ। क्या हो गया? मम्मी, सिद्रा के पास जाना है। मम्मी, मुझे सिद्रा के बगैर नींद नहीं आती। बेटा, मैं तो यही हूँ ना, क्या हो गया आपको, डर गई? नहीं मम्मी, सिद्रा को अभी बुलाए। मम्मी, मुझे सिद्रा के बगैर नींद नहीं आती। मम्मी, पापा सिद्रा को नहीं आने देंगे। मम्मी, आपको पता है जब मैं उसके हाथ पे हाथ रखती थी तो उसे नींद आती थी, अगर वो सोएगी नहीं तो सुबह स्कूल कैसे जाएगी? इस वक्त रात बहुत हो गई है, सुबह बात करेंगे। हाँ, सिद्रा भी आ जाएगी, चलो। नहीं मम्मी प्लीज, अभी सिद्रा को बुलाएं। मम्मी प्लीज, इस वक्त बहुत रात हो गई बेटा, सुबह बात होगी, चलो। नहीं मम्मी प्लीज, अभी सिद्रा को बुलाएं। निम्रा, एक दफा बोल दिया ना बस। तुम्हें क्या लगता है कि मुझे सिद्रा की, सिद्रा याद नहीं आ रही मुझे? बेटी है मेरी, मैं मम्मी एक बात कहूं, आप नाराज तो नहीं होंगे? मम्मी, आप पापा को अभी फोन करें और उन्हें बताएं निम्रा कितनी परेशान है, शायद वो सिद्रा को भेज दें। मेरे बच्चे, तुम इतनी छोटी हो, मैं तुम्हें ये बातें कैसे समझाऊं? तुम्हारे पापा को इतना ख्याल होता तो तुम दोनों को अलग ही ना करते हूँ कभी। मैं, अच्छा चलो चलो, अभी चल के सोते हैं, सुबह बात करेंगे। आज आज मेरा बच्चा, आगा जी। जी बेटिया। मुझे मम्मी और आप ही के बगैर नींद नहीं आती। बेटा, तुम आंखें बंद करके लेट जाओ, देखना नींद आ जाएगी। जब आप ही और मम्मी होते थे मुझे नींद आ जाती थी, अब जब मैं आंखें बंद करती हूँ तो मुझे लगता है कोई भूत आकर मुझे खा जाएगा। बेटा, तुम्हारे आगा जी के होते हुए यहाँ कोई भूत नहीं आ सकता, और फिर मैंने आयतल कुर्सी पढ़ के फूंक दी है, तुम्हें डर बिल्कुल लगना ही नहीं चाहिए। आगा जी, आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं ना? हाँ बेटिया, बहुत ज्यादा। तो
आप मुझे मेरी मम्मी के पास ले जाना। नहीं बेटी, ये मैं नहीं कर सकता। मैं तुम्हारे लिए जान दे सकता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं कर सकता। प्लीज मुझे माफ कर दे। आंखें बंद करके सोने की कोशिश करो, नींद आ जाएगी। क्या कर रहे हो सादान? बच्चियां नफसियाती तौर पर बिल्कुल खत्म होकर रह जाएंगी। अंदर से उनका कॉन्फिडेंस, उनकी शख्सियत सब तबाह हो जाएगा। प्लीज प्लीज डोंट डू दिस सादान, डोंट डू दिस। हेलो सादान, मुझे तुमसे मिलना है। हेलो, तुम अलीना से छुप छुप के मिलते हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम अलीना से छुप छुप के मिलते हो, जिस औरत को तुम तलाक दे चुके हो, तुम उससे मिलते हो अभी तक? मिलने लेकिन एक डील करने गया था उसे। डील कैसे? डील कि हम कब कब और कहां मिलेंगे? मुझे सच सच बताओ सादान, तुम उससे दोबारा शादी कर रहे हो ना, है ना? अगर तुम मुझे कुछ बोलने दोगी तो ये बात आगे बढ़ेगी, पर हम सारी रात यहाँ बहस करते रहेंगे और कोई नतीजा नहीं निकलेगा। हाँ, मिलने गया था मैं उसे, लेकिन मैं उसे बच्चियों के बारे में बात करने गया था। मैं कैसे मिल सकता हूँ उस औरत से जिसको मैंने अभी तलाक दिए कुछ दिनों पहले? मेरे दिल में अलीना के लिए नफरत के अलावा और कुछ नहीं है। मैं उसे यह कहने गया था कि वो निमरा को अपने पास रखे और सिद्रा मेरे पास रहने दे, ताकि रोज रोज बच्चियों की वजह से मिलने का मसला खत्म। ना मैं निमरा से मिलने की कोशिश करूंगा, ना वो सिद्रा से मिलने की कोशिश करेगी। ये डील करने गया था मैं उसके साथ। That's it. इतनी सी बात का तुमने क्या बतंगड़ बना दिया?
तीसरी बात तुम्हारे लिए तीसरी बात है, लेकिन मेरी जिंदगी जुड़ी है इससे। मर्द कितनी जल्दी अपना रूप बदलते हैं। सादान बेवकूफ समझता है मुझे, समझता है मैं पागल हूं, भूल नहीं पा रहा है अलीना को, अलीना को छोड़ कर भी छोड़ नहीं पा रहा है, मगर मैं बटी हुई जिंदगी नहीं जी सकती। अशर, इस वक्त मुझे अशर जैसे ही किसी दोस्त की जरूरत थी। हेलो, हाय बिम्बो, मेरा नहीं ख्याल था तुम मेरा फोन उठाओगी इस वक्त। क्यों? काफी लेट हो गया है ना, अपने मियां साहब के साथ होगी, रोमांटिक माहौल होगा, तुम और वो, हमें कहां लिफ्ट कराओगी? और अगर मियां किसी और के साथ हो तो? व्हाट? क्या हुआ? सब ठीक है? इज एवरीथिंग ओके? मैं बहुत डिस्टर्ब्ड हूं। हाँ, तुम डिस्टर्ब साउंड कर भी रही हो। इमोशनली ऐसा लग रहा है जैसे मेरी सांसें बांध रही हूँ, मेरा हर इख्तियार अपने हाथ में लेकर मेरी खुशियां मुझसे छीन ली हूँ। तुम वाकई बहुत ज्यादा डिस्टर्ब लग रही हो रमा। यस आई एम। अच्छा, मुझे डिटेल में बताओ क्या हुआ। मैं डिटेल में नहीं बता सकती अशर, बस ये समझ लो जैसे मेरे अंदर कुछ टूट रहा है। मैं अपने आप को बहुत संभालने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन ऐसा लगता है जैसे मुट्ठी में से रेत फिसलती चली जा रही है। डिटेल में नहीं बताओगी तो मैं तुम्हें एडवाइस कैसे कर सकूंगा यार? बताया तो है, मेरे अंदर कुछ टूट रहा है। नहीं, जहाज से एक रिश्ता बनाया था और वो कॉम्प्लिकेट होता चला जा रहा है। पहेलियों में बात क्यों कर रही हो रमा, तो मुझे सीधे सीधे बताओ ना, तुम्हारे और सादान के दरमियान क्या हुआ है? पता नहीं कुछ हुआ भी है या मैं ओवर रिएक्ट कर रही हूँ। रमा, तुम्हें पता सारी जिंदगी तुम्हारी स्ट्रेंथ तुम्हारी क्लैरिटी रही, तुम इतनी कंफ्यूज्ड मुझे कभी नहीं दिखी है। मैं कंफ्यूज नहीं हूं सर। ब्रोकन हो? पता नहीं, ऐसा लगता है जैसे मैंने किसी खिला में पांव रख दिया, एक पांव जमीन पे हो और एक पांव खिला में। ठीक है, कल लंच में मिलो तो बात करते। नहीं, मैं कल नहीं मिल सकती। कहा था कि दिल का हाल नहीं बताओगी तो दिल फट जाएगा तुम्हारा, कल मिलो। हाँ, लेकिन मुझे घर पे भी देखना होता है, ऊपर से मैं सादान को अकेला नहीं छोड़ सकती। कॉफी पे मिल लेते हैं। कॉफी? हाँ, कॉफी पे मिल सकते हैं, लेकिन सिर्फ 10 मिनट के लिए। सादान, कल तुम कहीं नहीं जा रही, कल का दिन तुम मेरे साथ स्पेंड कर रही हो, हम लंच करेंगे, उसके बाद मैं तुम्हें मूवी पर ले जाऊंगा। फोन तो दे दो। छोड़ो ना फोन, किससे बात कर रही हो, बाद में कर लेना। बाय कहने तो कजन से बात कर रही थी। ये लो, बंद हो गया, बाय हो गया। ठीक है, हमने शादी इसलिए तो नहीं की थी कि हर वक्त लड़ते रहेंगे। कम, लेट्स गो। सादान, चलो।
हाँ, लेकिन मैं सिद्रा के बगैर रहने का सोच भी नहीं सकती रजा। देखो अलीना, हम दोनों बचपन की सहेलियां हैं, हम उम्र भी हैं, और तुम तो जानती हो डिवोर्स के बाद से ही मैं जॉब कर रही हूँ। ये जो कुछ तुम झेल रही हो ना, मैं 10 साल पहले ही झेल चुकी हूँ। एक बात याद रखना, ये दुनिया ताकतवर की है और मर्द एक ताकतवर डिक्टेटर है। अलीना, अभी तो सादान तैयार है नमरा को देने के लिए, लेकिन तुम ये बात अच्छी तरह जानती हो, उसने अगर अपना फैसला बदल लिया तो क्या करोगी तुम, और क्या कर सकते हैं हम? तुम तो अच्छी तरह जानती हो मैं एक दो दिन के लिए पाकिस्तान आती हूँ, इतना सब कुछ तुम्हारे साथ बीत गया, मुझे अब पता चल रहा है। मेरे अलावा तुम्हारा है ही कौन? नखिल हो नैना, बस। मैं जानती हूँ नैना, नखिल तुमसे बहुत मोहब्बत करते हैं, लेकिन नखिल की माली पोजीशन में और सादान की माली पोजीशन में जमीन आसमान का फर्क है, और ये महंगे महंगे वकीलों के खर्चे कहाँ से आएंगे? नखिल ये सब कुछ अफोर्ड नहीं कर पाएगा, और अगर नखिल और नैना ये अफोर्ड करना भी चाहें तो शायद तुम्हें ये गवारा नहीं होगा। सही कह रही हो, हमें ये चाहती भी नहीं। ऑलरेडी नखिल और नैना ने मेरे ऊपर इतना एहसान कर दिया, मुझे यहाँ पे रख लिया है। I don't know what to do. God, मेरी फ्लाइट का टाइम हो गया है। तुमने मुझसे मशवरा मांगा, मुझे जो सही लगा मैंने तुम्हें कह दिया है। बहरहाल फैसला तो तुमने खुद ही करना है ना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हो? ठीक हो? मम्मी, सिद्रा आज स्कूल आएगी ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं आएगी? मम्मी जल्दी चले ना, मैंने सिद्रा से मिलना है, हम सिद्रा को लेकर आएंगे। नम्रा तुम उससे मिल लेना, लेकिन तुम्हें पता है वो घर नहीं आ सकती। मम्मी मगर मैं सिद्रा के बगैर नहीं रह सकती। बेटा मैं भी नहीं रह सकती उसके बगैर, लेकिन पापा से एक बार डिसाइड हुई भी है ना, इसलिए इस पे उससे कोई बात ना करना। चलो चलते, अब स्कूल के लिए लेट भी हो रहे हैं। आखिर कभी ना कभी हमें भी तो बच्चे प्लान करने हैं। सिद्रा के लिए यही बेहतर होगा कि वो अलीना के साथ रहे, वो अपनी माँ और बहन के साथ खुश रहेगी। रमा, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, तुम्हारी खातिर मैंने अलीना को तलाक दे दी। जता रहे हो तुम मुझे? जता नहीं रहा हूँ, लेकिन ये कह रहा हूँ कि अगर हम इसी तरह बहस बराए बहस करते रहेंगे, एक दूसरे की हर बात पकड़ेंगे, तो जिंदगी मुश्किल होती जाएगी। मैं तुम्हारी बात पकड़ नहीं रही हूँ, तुम्हें समझने की कोशिश कर रही हूँ। हाँ तो समझो ना, इसमें मुश्किल क्या है? देखो, मेरी आज की सबसे बड़ी हकीकत यह है कि तुम मेरी बीवी हो, लेकिन मेरे माजी की सबसे बड़ी हकीकत यह है कि बेशक मैंने अलीना को तलाक दे दिया, फिर भी मेरी दो बच्चियां हैं, बाप हूं मैं उनका। अब जमाने के रहमो करम पे तो नहीं छोड़ सकता ना उन्हें। और मेरे राइट्स? सब कुछ तुम्हारा है, सारे राइट्स तुम्हारे हैं। मैं निमरा को कभी अलीना को वापस ना करता, लेकिन ये सोच करके चलो तुम्हें थोड़ा रिलीफ मिलता है, मैंने ये भी कर लिया। चलो मेरे लिए से सिद्रा को अलीना को दे दो। मैं ऐसा नहीं कर सकता, वैसे भी अलीना के पास इतने वसाइल नहीं है कि वो दोनों बच्चियों की देखभाल कर सके। हाँ तो खर्चा दे दो। मेरे ख्याल से सिद्रा अगर अलीना के साथ रहेगी तो उसकी बेहतर तरबियत हो सकेगी, परवरिश हो सकेगी अच्छी। ऐसा नहीं हो सकता और ना ही ऐसा होगा। मैं एक बेटी उसे दे चुका हूँ, दूसरी हरगिज नहीं दूंगा। सिद्रा यहीं रहेगी इस घर में मेरी नजरों के सामने, वो अपने बाप के घर में ही परवरिश पाएगी, एंड दैट्स इट। चलो मैं अब होम टाइम पे आऊंगी, ठीक है बेटा? बाय बाय। हेलो, रामा बात कर रही हूँ। बोलो। मेरे शौहर का पीछा छोड़ दो, क्योंकि वो अब तुम्हारा शौर नहीं रहा। मुझे सदान से कुछ लेना देना नहीं है रमा। तो आधी आधी रात को फोन क्यों करती हो? सिद्रा के लिए, मुझे उसकी फिक्र रहती है।
झूठ बोलती हो, बच्चियों के बहाने ताल्लुक जोड़ के रखना चाहती हो। देखो रमा, मैं तुमसे बिल्कुल उलझना नहीं चाहती। तुम्हारी वजह से मेरी डिवोर्स हुई है ना, मुझे अपनी बच्चियों के अलावा सदान से कोई लेना देना नहीं है। तो एक बात कान खोल कर सुन लो, तुमने अगर सदान का पीछा नहीं छोड़ा, उसको फोन करना, उसको टेक्स्ट करना नहीं छोड़ा, तो मैं तुम्हारी बच्चियों की जिंदगी बर्बाद कर दूंगी। रमा प्लीज मत भूलो कि तुम्हारी बच्चियां अब मेरे छत के नीचे रहती हैं। तुम अगर मेरा घर बर्बाद करोगी तो मैं तुम्हारी बच्चियों की जिंदगी बर्बाद कर दूंगी। देखो रमा, तुम अगर तलाक के बाद नहीं इस हद तक जा सकती हो, तो मैं अपने शोहर को बचाने के लिए इससे भी आगे जा सकती हूँ। Keep that in mind. रमा मेरी बात तो पता है अब क्या होगा? क्या? मैं मम्मी के साथ रहूंगी और तुम पापा के साथ। पापा ने बताया था कि अब मैं मम्मी से नहीं मिल सकूंगी। मैं भी पापा से नहीं मिल सकूंगी और मुझे पापा से मिलना भी नहीं है। लेकिन आपकी मुझे तो मम्मी से मिलना है ना। मम्मी कह रही थी हम तुमसे कई मंच के बाद मिला करेंगे, लेकिन मैं तुमसे देखने तो मिल सकती हूँ। खत्म हो गई पापी। हाँ? मम्मी को बताइएगा मैं उन्हें बहुत मिस करती हूँ, मुझे उनके बगैर नींद भी नहीं आती है। पहले आप उम्मीद थी तो मैं सो जाती थी, अब तो मैं अकेली सोती हूँ ना, मुझे बहुत डर लगता है। तुम फिक्र नहीं करो, मैं रात में अपने कमरे में जाऊँगी ना, फिर तुम्हारे लिए आए तो कुछ करके थूक दूंगी, ठीक है? प्लीज इसको एंटर कर दीजिए। क्या आपको इल्म है कि हम नेक्स्ट वीक में एक और सर्जरी प्लान करने जा रहे हैं? जी। आर यू रेडी फॉर दैट? नो। क्या मतलब? भाई आपको यहाँ से मुकम्मल ठीक होकर जाना है इंशाल्लाह। मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। कहिए। डॉक्टर है और मुझे यकीन है कि आप मुझे झूठ नहीं बोलेंगे। देखिए मैं आपका इलाज कर रही हूँ और मैं कोई गलत बयान नहीं करूंगी, आप वाकई बेहतर हो रही हैं। अभी तो आपने कहा था कि आप मुझसे झूठ नहीं बोलेंगे। मैंने कहा ना हमें खुदा की जात से आखिरी वक्त तक मायूस नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जो उम्मीद है ना यही तो हमें सेहत दिलाती है, वरना तो ये दवाएं और इलाज सब बेकार है। कभी कभी उम्मीदें टूट भी जाती हैं। हाँ मगर हमारे नजदीक उम्मीद टूटना गुनाह है। डॉक्टर साहब आप प्लीज मुझे इतना बता दें कि मेरे पास कितना टाइम बचा है, मुझे अपनी जिंदगी के बहुत अहम फैसले करने हैं। देखिए मैं उन डॉक्टरों में से हूँ जो अल्लाह की रहमत से कभी मायूस नहीं होते। मैं मायूस नहीं हो रही हूँ, लेकिन मुझे सिर्फ ये कंफर्म करना है कि मेरे पास कितना टाइम बचा है, और अगर आप मुझे नहीं बता पाएंगी तो मैं अपनी जिंदगी के फैसले नहीं ले सकूंगी, और अगर फैसले अधूरे रह गए तो मेरी पूरी फैमिली अधूरी रह जाएगी। प्लीज डॉक्टर साहब आप मुझे सिर्फ ये बता दें कि मेडिकल साइंस क्या कहती है, अगर मैं ये सर्जरी करवा लूंगी तो मेरे पास कितना वक्त बचता है? देखिए मेडिकल साइंस तो कहती है कि ज़्यादा ज़्यादा 2 महीने, मगर ऐसा भी देखा गया है कि मरीज सालों जी हैं। ठीक है कोई मौत सा हो जाएगा तो मैं भी बच जाऊंगी, लेकिन आप मुझे प्लीज सही से बता दें, ये बता दें कि मेडिकल साइंस क्या कहती है, कितने दिन बचे मेरे पास? ज़्यादा से ज़्यादा 4 हफ्ते।